यूपी सरकार ने 22 फरवरी को राज्य विधानसभा में 2023 और 24 के लिए अपना बजट पेश किया है। यूपी सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार कुल 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले साल से करीब 75,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं इस बजट में। आइए हम आपको बताते हैं यूपी बजट 2023 से जुड़ी 5 अहम बात। इस बजट में 3,600 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर को दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्टूडेंट्स को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। मेडिकल सेक्टर को 12,631 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2,34,00,000 रुपए, हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ रुपए और सीएम जन आरोग्य के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है। वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत 7,248 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। ये बजट महिलाओं के लिए भी खास रहा है। बेसहारा महिलाओं को पेंशन और विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है।